सो गाइस, ये सामने टिकट काउंटर है जैसे कि आप देख रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। और अभी हम जीने से नीचे उतर रहे हैं, देखते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है। अभी आप पीछे देख रहे होंगे, रेलवे लाइन पे मैं चल रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर, और मुझे वहाँ पे कुछ काम है। क्या काम है ये मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। सो अभी मैं जो हूँ मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर हूँ। सो यहाँ से मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, और अभी मैंने टिकट नहीं लिया है। टिकट लेता हूँ, वो वहाँ पे भीड़ ना हुई तो मैं वहाँ की वीडियो बनाता हूँ, वरना मैं आपको ट्रेन में बैठकर मिलता हूँ, दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का है स्टेशन, ये देख सकते हैं आप सामने। कुछ स्टेशन इस तरीके का है, यहाँ पे आपको अधिकतर सब जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी, एक्सप्रेस भी, पैसेंजर भी। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये मेरठ छावनी है, और ये सामने आप देख रहे होंगे ये ट्रेन खड़ी है, न्यू दिल्ली जाएगी। फाइनली मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, और ट्रेन पूरी खाली है, क्योंकि ये यहीं से बनकर चलती है। ये जाती है सीधा हरियाणा जाती है शायद ट्रेन में, तो यहीं से बन के जाती है। तो सुबह 6:45 पर ट्रेन मिलती है। सो गाइस, अभी पूरी ट्रेन खाली आपको मैंने दिखाया होगा अभी। सो गाइस, टिकट काउंटर की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी टिकट काउंटर पर, क्योंकि इसके आगे पीछे 2-3 ट्रेन आती है लगातार जो दिल्ली जाती है। सुबह को लोग बहुत सारे जो दिल्ली काम करते हैं वो जाते हैं इसी ट्रेन से। सो गाइस, अभी मैं दिखाता हूँ कि रास्ते में किस तरह का व्यू पड़ता है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ गाइस। तो मिलते हैं रास्ते में, दिखाता हूँ आपको कुछ किस तरह का। और ये आप देख रहे होंगे ट्रेन चल रही है, और अभी मैं मेरठ जंक्शन पर पहुंचा हूं, जो इससे अगला ही स्टेशन है। सो अभी निकलते हैं हम लोग, और ये ट्रेन जल्दी है, आप देख सकते हैं मेरठ जंक्शन, ये है स्टेशन कुछ इस तरीके का। यहां से 70-80 किलोमीटर का सफ़र होगा हमारा, जो देखते हैं कैसा रहता है। गाइस, देख सकते हैं आप, फाइनली मैं नई दिल्ली गया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, या मेट्रो से जाऊँगा मैं एयरपोर्ट पर। तो दिखाता हूँ आपको कुछ मेट्रो का नज़ारा। मैं स्टेशन से दूसरी साइड को जा रहा हूँ, तो स्टेशन के अंदर को नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से लंबा पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे पीछे वाले डिब्बे में बैठा था। सो अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, और अभी का सीन कुछ ऐसा है, बस मेट्रो पकड़नी है वहाँ से, और वहाँ से निकलना है अपना एयरपोर्ट। तो क्या काम है ये मुझे आपको बताऊंगा बाद में। अभी मिलता हूँ मेट्रो में। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का कुछ यूज तरीके का। आपको यहाँ से ऑटो, टैक्सी, कहीं भी के लिए भी जाना हो आप जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सामने सीधा मेट्रो है जहाँ पर मुझे जाना है। ये मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ये कुछ मेट्रो का इस तरीके का नज़ारा है। गाइस, आप देख सकते हैं सामने टिकट काउंटर है मेट्रो की, और अभी हम जाते हैं टिकट लेने के लिए। गाइस, फाइनली मैंने टिकट ले लिया है, और अभी मुझे को मेट्रो में जाना है, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी का सीन क्या रहता है ट्रेन का। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ मेट्रो से, यहाँ से आता रहता हूँ। इस बार मेरे पास कार्ड नहीं था, तो मुझे टोकन से ही काम चलाना पड़ा। सो मिलते हैं मेट्रो में। 60 रुपये का टिकट दिया है एयरपोर्ट तक का यहाँ से, और एक्सप्रेस लाइन है, इसे डायरेक्टली पहुँचा देंगे।
1:30 बजे कुछ क्या सीन होता है देखते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर और अभी हम चलते हैं देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप मैंने मेट्रो से बाहर निकल रहा हूँ, मैं टर्मिनल की पर जा रहा हूँ। ये मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इस वाली मेट्रो से आप डायरेक्ट ही आ सकते हो, ये आपको डायरेक्ट मेट्रो के एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएगी। देख सकते हो ये कुछ सीन है एयरपोर्ट का। टर्मिनल 2 डिपार्चर्स अराइवल्स। देख सकते हैं ये एयरपोर्ट है। सो गाइस इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले मैं वो अपना काम निपटा लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और मुझे यहाँ पे एक से मिलना है और कुछ काम भी है वो भी बताऊंगा। सो वीडियो में अब मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मुझे जो काम है मैं पहले वो निपटाऊँगा और फिर बताता हूँ आपको बाद में। जा रहा है कुछ एयरपोर्ट का और मुझको जाना है पिलर नंबर 18 के पास। ये 10 है, 11 लास्ट में पिलर नंबर 18 होगा। सो गाइस आगे की वीडियो में थोड़ी देर बाद डालता हूँ, मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, मिलता हूँ काम होने के बाद। सो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना वेगिनो, ये इंटरनेशनल दिव्यान इंटरनेशनल के ये ब्रांड्स है। सो मैं इस पर आया हूँ और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है वो जॉब करता है। सो ओबियसली अगर होता है तो मैं बताता हूँ। ये कुछ सीन है इस तरीके का, देख सकते हैं आप। अभी जिसका मुझे वेट था वो अभी आई नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी कुछ सीन ही ऐसा रहेगा कि हो जाएगी तो इंटरव्यू होगा, सो नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आगे कुछ सीन। सो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना वेगिनो, ये इंटरनेशनल दिव्यान इंटरनेशनल के ये ब्रांड्स है। सो मैं इस पर आया हूँ और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है वो जॉब करता है। सो ओबियसली अगर होता है तो मैं बताता हूँ। ये कुछ सीन है इस तरीके का, देख सकते हैं आप। अभी जिसका मुझे वेट था वो अभी आई नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी कुछ सीन ही ऐसा रहेगा कि हो जाएगी तो इंटरव्यू होगा, सो नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आगे कुछ सीन। सो गाइस फाइनली मैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अभी मैं जिस काम के लिए गया था इंटरव्यू के लिए वो हुआ नहीं, वो अब मुझे परसों को बुलाया है। सो अभी मैं घर जा रहा हूँ और मैं अभी ट्रेन में हूँ। मुझे ट्रेन का सफ़र बस से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ना ट्रैफिक ज़्यादा रहने लगा रोड पे और जाम की वजह से सुबह से शाम हो जाते हैं जाने के चक्कर में। ट्रेन में ऐसा नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, अपने इजीली चले जाते हैं। सो आप देख सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।